गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज सरोज कौशल। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी की एक थ्योरी, तो पर्सनैलिटी की थ्योरी, ठीक है। पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर। अगर आप टैट या सी टैट कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड दे रहे हैं तो फिर चलिए फिर देखते हैं पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी शब्द, सबसे पहला क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है पर्सनैलिटी को। लैटिन भाषा से लिया गया पहले, तो कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। और कौन से शब्द से? परसोना शब्द से। परसोना शब्द का अर्थ है मखोटा या वेश, ठीक है, वो है पर्सनैलिटी का। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आता है कौन से शब्द से लिया गया, कौन सी भाषा से लिया गया, दो क्वेश्चन हो गए। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग द पर्सनैलिटी, कौन से फैक्टर्स हैं? ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आता नहीं, चाहे सीटेट और मतलब आएगा ही आएगा, डैम श्योर, ठीक है। तो जो फैक्टर, मेन फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, वो आपके हैं हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। मेन इन्हीं का आता है, लेकिन तीसरा एक फैक्टर और है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, लेकिन मेन आपको जैसे पेपर में आता है पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे आता है या मेन कॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी या किस तरह से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाने वाले मुख्य जो वो है, कई बार हेरिडिटी अलग से होगा, फिर एक एनवायरनमेंट अलग से होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होगा एक कहीं, या फिर ऑल द अबव जैसे भी दिया हो, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों को ही आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, अकेले ऑप्शन के साथ कभी नहीं जाना है। हेरिडिटी जो जीन्स है पेरेंट से हमें मिलता है, और एनवायरनमेंट जो आसपास के वातावरण के हिसाब से हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, कैसे माहौल में हम पल बढ़ रहे हैं, कैसे पेरेंट्स हमारे हैं, मम्मा पापा कैसे हैं, किस तरह का मुझे जीन्स मिले हैं, और फिर कैसे माहौल में मैं रह रही हूँ, दोनों चीज़ों को मिलकर मिलाकर ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है किसी भी बच्चे की, ठीक है। तो हेरिडिटरी इज इक्वल टू हेरिडिटरी, कई बार मैंने एक क्वेश्चन कहीं देखा है प्लस इन्वायरमेंट का ऑप्शन भी आता है, मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन आता है, तो आपको याद रखना है जो पर्सनैलिटी है दैट इज इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू, ठीक है, हेरिडिटरी इनटू एन्वायरमेंट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट मोटिवेशन कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह के जो इंटरेस्ट है आपका, मोटिवेशन, कहाँ से आप मोटिवेटेड, ये भी आपके जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आप रेगुलर देख रहे हो, या किस चीज़ को आप अंदर से फील करते हो। मोटिवेशन भी दो तरह की होती है, इंटरेस्टिंग और एक्सट्रिंसिक, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ये इंटरेस्ट, मोटिवेशन और कैरेक्टर जो है, ये चीज़ों चीज़ें क्या हैं आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, जिनको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। अभी एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी के जो मेज़रमेंट है, कैसे पर्सनैलिटी को मापा जाता है, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। तो चलिए देख लेते हैं फिर, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ मैं आपको अलग से बता दूँगी, लेकिन कंप्लीट हमें एक बार पढ़ना पड़ता है, कोई भी चीज़ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सब्जेक्टिव मेथड वो मेथड होता है जहाँ सिंगल टाइम के अंदर किसी एक सिंगल आदमी का पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसके अंदर ऑटोबायोग्राफी आता है, केस स्टडी आता है, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूअर, मतलब ऑटोग्राफी, देखिए ऑटोग्राफी किसी एक की ही होती है। केस स्टडी की बात करें, किसी केस पे हम, किसी एक केस को लेके हम बात कर रहे हैं, तो केस स्टडी की, और क्वेश्चनियर, क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है, उसके बाद इंटरव्यू। तो ये आते हैं आपके सब्जेक्टिव मेथड। आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे कि सब्जेक्टिव मेथड को चूज़ करिए कौन सा, ये दे दिया आपको तीन, एक इसमें से उठा के दे दिया, तो जो ऑटोबायोग्राफी है जैसे ये दे दिया, तो आप एक साइड के याद कर लीजिए, दूसरी साइड आपको ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये देखिए, जैसे ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, चार है आपके सब्जेक्टिव मेथड, और पांच ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, फिजिकल मतलब ग्रुप में जब आप टेस्ट करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं। ग्रुप में किसी टाइम पे ग्रुप में टेस्ट चल रहे हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं क्लास में 10 बच्चे आपने बिठा लिए, ऑब्जर्वेशन मेथड, या फिजिकल टेस्ट है, रेटिंग स्केल पे आप चेक करते हैं, सिचुएशनल कंडीशन आप देते हैं, या फिर सोशल मेथड के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आते हैं ये सारे मेथड्स, ओके। और सोशल मेथड का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है प्रीवियस टेट में, कि किसने दिया है, जेएल मोरेनो ने दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी पहले फुल फॉर्म भी आती है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट,
थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कब दिया था, ये 1935 में दिया था। इसके अंदर टोटल कार्ड हैं होते हैं 30। ये कार्ड्स और इसका क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, लेकिन किसने दिया था, TAT हम देने जा रहे हैं। ये TAT है जो पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ टेस्ट है। कई बार आता है कि इंटेलिजेंट टेस्ट है कि पर्सनैलिटी का टेस्ट है, टैट, कैट या रोड जैसे पर्सनैलिटी के। ये मतलब प्रोजेक्टिव मेथड के तीन टेस्ट है, जिसको पहला हमने बोला टैट, फिर बोला कैट, फिर रोडशा इंक ब्लू टेस्ट। तो ये ऐसे ही नाम दे के आ जाएगा कि पर्सनैलिटी का टेस्ट है या फिर इंटेलिजेंस का टेस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि टैट की जब हम बात करें, कैट की जब हम बात करें, रोडशा की हम जब बात करें, ये क्या है, पर्सनैलिटी के ही टेस्ट हैं। किसके टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। 1935 में हुआ है, इसको डिस्कवर किया गया है। फुल फॉर्म आपने देख ली, और गिवन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है मॉर्गन और मुर्रे ने इसको दिया है। मॉर्गन एंड मुर्रे ने किसने दिया है, और फुल फॉर्म ये मेन है, ठीक है। कार्ड्स वाला भी, कितने टोटल कार्ड है, 30 कार्ड्स है। कैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें कितने कार्ड है, टोटल इसमें 10 कार्ड्स है। ऊपर 30 थे, इसमें 10 कार्ड्स है। 1948 में ये लियोपाल्ड ब्लैक ने दिया है, लियोपाल्ड ब्लैक ने दिया है, ठीक है। और 1948 में आगे लास्ट जो हमारा बचता है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट तो मस्ट, एक टैट, एक कैट, अभी मैंने इतना मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही याद रखने हैं, ठीक है। रोडशा इंक ब्लड, हर चीज़ को हम एलिमिनेट कर देंगे कि ये भी नहीं पूछा जाता, ये भी नहीं पूछा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। वी हैव टू स्टडी मीन्स वी हैव टू स्टडी, ठीक है। तो रोडशा इंक ब्लड टेस्ट 1921, गिवन बाय, इसी का देखिए सरनेम यही है, रोडशा, इरमन रोडशा ने दिया है। और इसमें टोटल इसके कार्ड्स पूछे जाते हैं 10 कार्ड। रोडशा इंक ब्लॉट टेस्ट में कितने कार्ड यूज़ किए जाते हैं, और ये टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस में कंफ्यूज करने के लिए डालेगा। थीमेटिक टेस्ट किस लिए होता है, पर्सनैलिटी। कैट टेस्ट किस लिए होता है, पर्सनैलिटी। रोडशा टेस्ट किस लिए, पर्सनैलिटी, ठीक है। किसने दिया है और कितने कार्ड्स है, इसके जो ये आपका लास्ट वाला है थर्ड वन, इसके कार्ड्स पूछे गए हैं किसी पेपर में, ठीक है। तो 10 तो आप याद रखेंगे, जो सिर्फ आपका टैट है, जो टैट आप देने जा रहे हैं उसमें आपने 30 रखना है याद, बाकी दोनों में 10-10 है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।